नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविश शर्मा और आप देख रहे हैं कविश टेक। सो आप हेडफोन का यूज़ तो करते ही होंगे, बहुत सारी कंपनियां भी आती हैं जैसे कि JBL, सोनी और सैमसंग के भी कुछ अच्छे खासे हेडफोन आते हैं। सो आप हेडफोन में गाना जरूर सुनते ही होंगे और आपने सुनते सुनते कभी ऐसा नोटिस भी किया होगा कि कितने बार आपको लगता है कि चलो वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाए और कभी कभी कुछ ऐसी वार्निंग आ जाती है कि अगर इससे बढ़ाया है तो आपकी ईयर को डैमेज होता है। तो हम उस समय सोचते हैं कि छोड़ो क्या बात है, हमको तो सुनना है एक अच्छा गाना, हमको सुनना है एक हाई बेस पे गाना, सो हम बढ़ा देते हैं। तो क्या असली में कुछ असर पड़ता है ऐसा? बिल्कुल असर पड़ता है और ये प्रूफ हो चुका है कि ऐसा करने से आपको हियरिंग लॉस हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में कि किस तरह उस हियरिंग लॉस से हम प्रिवेंट करें और किस तरह बचें उससे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस, टेक्नोलॉजी वीडियोस लेके आता रहूँगा। सो दोस्तों, ये प्रूफ हो चुका है कि अगर हम कोई भी चीज़ें कुछ हाई बेस पे या फिर हाई साउंड में सुनते हैं तो हमें ज़रूर होगा हियरिंग लॉस, और अगर वर्स्ट केस में ये ज़ीरो भी हो सकता है। इसे कहते हैं NIHL, जो कि है नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। और मतलब अगर हम कोई भी जोर साउंड के कांटेक्ट में आएंगे तो ये हमें लॉस पहुंचाएगा। तो दोस्तों, हम तो साउंड के कांटेक्ट में आते ही आते हैं, जैसे कि ट्रैफिक की साउंड काफ़ी जोर की होती है और भी बहुत सारी साउंड है, जैसे कि आप जो फ़ोन में अभी वीडियो देख रहे हैं उसकी भी बहुत अच्छी खासी साउंड होती है। तो क्या ऐसे साउंड से नुकसान होता है? ज़रूर होता है। जो ट्रैफिक की साउंड जो है वो काफ़ी एक हाई रेंज पे होती है, जिसकी वैल्यू 85 डेसिबल के अगर ऊपर होती है तो वो हमें नुकसान करती है। तो जो भी साउंड 85 डेसिबल के अगर ऊपर होती है तो वो हमें नुकसान करती है। और रिसर्च ये कहती है कि अगर आप कोई भी साउंड जो कि 85 डेसिबल के ऊपर है, अगर आप उसके ऊपर अगर उसके कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहते हैं तो आपको होगी हियरिंग लॉस। सो अगर आप वहाँ से मूव कर जाते हैं तो आप इस NIHL को कम कर सकते हैं। लाउड साउंड को सुनने से क्या होगा, सोचिए अगर किसी का घर उस जगह पे है, जैसे कि या फिर कोई आदमी उस जगह पे रहता है जहाँ की ट्रैफिक कुछ ज़्यादा हाई होती है और वहाँ पे हमेशा उसे वो साउंड सुनने मिलती है, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, कुछ साल बाद क्या होगा, वो जो इंसान है उसको वो साउंड उसके ईयर उसको अडॉप्ट कर लेंगे और उसे लगेगा कि ये तो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि आप हेडफोन्स में गाने तो ज़रूर सुनते ही होंगे। सो एक चीज़ फॉलो करिएगा कि जब आप फर्स्ट टाइम कोई गाना सुनते हैं तब साउंड एक मिनिमम होता है, लेकिन कुछ देर बाद आपको लगता है कि नहीं, ये साउंड तो काफ़ी कम है, मुझे थोड़ा और इंक्रीज करना चाहिए। सो आप इंक्रीज करते चले जाते हैं और वो नोटिफिकेशन वहाँ पर दिखा देती है कि आप हाई वॉल्यूम पर है। सो यही चीज़ है कि अगर हम कोई भी साउंड को अगर ज़्यादा देर तक सुनते हैं तो वो ईयर जो हमारी है वो पूरी उसको अडॉप्ट कर लेती है और सोचती है कि यही साउंड मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है। तो आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। सो इसके भी एक उपाय हैं। सो इससे बचने के क्या उपाय हैं? फर्स्ट उपाय तो है कि आप साउंड को थोड़ा कम वॉल्यूम में सुनिए, हेडफोन के जो साउंड होते हैं उसे थोड़ा कम वॉल्यूम में सुनिए। और एक बात है कि आप अगर अच्छे हेडफोन्स, अगर अच्छे क्वालिटी के हेडफोन्स, अच्छे कंपनी के हेडफोन्स आप अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपको वो कंपनी के जो हेडफोन्स है वो इस तरह डिज़ाइन होती हैं कि आपको वो कम साउंड में आपको एक अच्छा क्वालिटी, एक अच्छा बेस देती है जो कि आपको चाहिए। सो अगर आप सस्ती हेडफोन्स यूज़ करते हैं तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देती है और आप उसके फुल साउंड सुनते हैं, तो जिससे कि आपका ईयर ख़राब होता है और हियरिंग लॉस होता है। सो बस यही कहना था मुझे इस वीडियो के द्वारा कि अगर आप हेडफोन्स में अगर हाई साउंड सुनते हैं और अगर आपकी हेडफोन्स की कंपनी अच्छी नहीं है, अगर हेडफोन अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद ऐसा नहीं हो लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा, कुछ समय ऐसा भी आ सकता है कि आपको सुनना बंद हो सकता है, क्योंकि आपकी ईयर वो चीज़ आपको अडॉप्ट कर लेंगे वो साउंड को। सो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप अपने चैनल पर नहीं आ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।